सुपरस्टार रजनीकांत के मौत चाहिए मूवी जरा आ चुका है दोस्तों। इस बात पे बजाओ ताली, क्या फिल्म है यार, देख के मजा आ गया। पर जानते हैं दुख की बात यह है कि मैं हिंदी में नहीं देख पाई, तमिल में सबटाइटल के साथ देखना पड़ा। पर कोई नहीं, मैं फिर से देखूंगी। मैंने बताई थी ना, इस फिल्म में रजनीकांत सर की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, और ऐसे ही देखने को मिलता है फिल्म में। जो सोचा था फिल्म के बारे में, उससे भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये फिल्म। नेल्सन दिलीप कुमार ने बहुत ही अच्छे से रजनीकांत सर को प्रेजेंट किया है। बात है फिल्म की तो कहानी है एक रिटायर्ड जेलर की, जिनकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उनका बेटा अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर है, और वो एक दिन अचानक लापता हो जाता है। जो किससे गायब हुआ और किसने किया ये जानने में रजनीकांत सर जुट जाते हैं, और फिर उनकी वो चेहरा देखने को मिलता है जिसे देख के दुश्मनों की पेट गीली हो जाती है। पर क्या अर्जुन जिंदा है भी या नहीं, क्या रजनीकांत सर ढूंढ पाएंगे, जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म की फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग है, जिसे देख के आपको मजा आएगा। फर्स्ट हाफ में जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलता है और वायलेंस भी। कब फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब जब रजनीकांत सर स्माइल करते हैं ना, तब तब माहौल ही बदल जाता है। मैं तो उन्हें देखती ही रह जाती हूँ, उनकी आंखें और चेहरे में वो हल्की सी स्माइल, फुल गुस्बम। फिर सिर्फ राजकुमार और मोहनलाल सर की दमदार कैमियो भी देखने को मिलता है, उन्हें भी नेल्सन दिलीप कुमार ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जब शिवा राजकुमार और रजनीकांत सर आमने सामने बैठे होते हैं, तब वो सीन जबरदस्त था। क्लाइमेक्स के वक्त तो मजा ही आ जाता है, जब तीनों सुपरस्टार अपने यूनिक ट्रेडमार्क स्टाइल में सिगरेट उठाते हैं। क्या सीन था यार, वो मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। शिवा राजकुमार और मोहनलाल सर फिल्म को और भी मजेदार बना दिए। हर कैरेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। विलेन भी दमदार है, जब किसी का बेरहमी से खून कर रहा होता है तब उसे देखोगे ना तो आपको भी डर लगने लगेगा। एक सीन में जैकी सर रजनीकांत सर के पास की कहानी कहते हैं, जिसमें रजनीकांत सर की जवानी वाली लुक देखने को मिलती है। वो सीन भी मुझे काफी अच्छी लगी। पर सेकंड हाफ में जो स्टोरी चलती है उसे देख के लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी, बिल्कुल बेकार लगता है। पर फिर स्टोरी अपने लाइन में आ जाती है। फिल्म में बेटे और बाप के बीच की रिलेशनशिप को अच्छे से दिखाया नहीं जाता, मगर रजनीकांत सर के साथ इमोशनल कनेक्ट होने की वजह से उनके दर्द को फील कर पाते हैं। ओवरऑल अगर आप रजनीकांत सर के फैंस रहे तो गलती से भी ये फिल्म मिस मत करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।